हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे, और गाइस जो दोनों पक्स हैं, एक बोजो और एक गूगल, दोनों सो रहे हैं। गूगल बहुत ज़ोर से बाहर आना चाहता है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि वो क्या कर रहा है। उसे मैंने दो बार खाना खिला दिया है, और अब मैं उसे खिलाऊँगी तीसरी बार खाना। तो उसे कम से कम मैं 5 बार खाना दे रही हूँ, और वो भी थोड़े थोड़े पोर्शन में, क्योंकि गर्मी है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे एकदम से मैं बहुत सारा खाना नहीं दे रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा खाना दे रही हूँ। और अभी मैं उसे फिर से खाना दूंगी, तो चलिए उसे बाहर निकालते हैं, और फिर बोजो को भी निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों को एक साथ देखना थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि वो छोटा है। आप देख सकते हैं थोड़ा वीक ही है अभी भी, इतनी जल्दी नहीं होगा मोटा, तो चलिए मैं इसे बाहर निकालती हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ, कहाँ हो? चलो बोनी बोनी को भी लेके आ रही हूँ मैं, एक मिनट पहले इसका खाना बना दूँ। चलो ये देखिए, ये देखिए शैतान, ये बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, ये शैतानी की हद है इसकी, इसकी शैतानी की हद है। चलो खाना बनाएंगे तुम्हारा। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। तो मैं जो खाना है इसका वो कर रही हूँ, तो मेरे खाना नहीं करने, तो मैं खाना कर दूंगी। मैं एक कप अपने लिए चाय बना रही हूँ, उसका खाना कर रही हूँ। और कल रात को इतना बिजी हो गई थी, और सो इतना लेट हूँ कि मेरे को, मैं जो इडली का आटा भिगोया था वो पीसा नहीं, जो मैंने उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अब मेरे को वो भी पीसना है। और ये मेरी मैक्सी की, ये मेरे गाउन के पीछे पड़ा है। भूख लगी है तुमको? पूरे टाइम भूख लगती रहती है, कितनी भूख लगती है तुमको? तुमको कितनी भूख लगती है? कितनी भूख लगी, कितने छोटे से हो तुम। ओ बाबू बाबू, चलो खाना खिलाते थे मैं। सो गाइस, पता है आज एक बहुत ही फनी चीज़ हुई, और जो फनी चीज़ थी वो ये थी कि इसे खाना खिला रही थी मैं, इसे मैंने खाना दिया, और जब भी खाना खाता है तो इसके पीछे के पैर उठ जाते हैं, क्योंकि आई थिंक इसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो दो बार से तो उठ रहे थे। आज ये पलट गया खाने के अंदर, बहुत फनी चीज़ है नहीं ये, बट और पूरा सन गया। फिर मैंने इसे साफ किया, पूरा आँख वाख पूरा उसमें गिर गया, वो खाने में ही गिर गया वो अपने में। आपको दिखाती हूँ कैसे खाता है, जब वो खाएगा तो आप लोग खुद सोचेंगे, आई थिंक वेट के कारण होता है, मेरा वेट बहुत कम है। तो चलिए मैं इसे खाना देती हूँ। ये देखिए क्या हो रहा है, बेचारे को बोजो को परेशान किया जा रहा है, बोजो को परेशान कर रहा है ये, बोजो को परेशान कर रहा है तुम। सो अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर के लिए मैंने इडली का आटा गूंद के रखा हुआ, मैं आटा गूंद के रखा है, इडली का पीस के रखा हुआ है, और मुझे मूंगफली की चटनी बनानी है, और टमाटर की चटनी, और सांभर वगैरह मैं कुछ नहीं बना रही। और ये जो है ना, इसको पहले दवाई दे दूँ मैं, क्योंकि इसको दवाई दे रही हूँ, दवाई लेके आया, इसकी हेल्थ नहीं है बिल्कुल भी, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत छोटा सा है, दिखता तक नहीं है, घर में घूमता हो। अभी खाना मांग रहा है, उसको खाना ही बना रही हूँ, बहुत ही बहुत छोटा। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कैमरे में समझ में नहीं आ रहा ना,
ये जो मेरा हाथ है ना, हाथ इतना लगा लो, इतना होगा ना, इतना छोटा है ये। कैसी है? हाँ दवाई पीना ही पसंद है इसे, आराम सीरियसली। से पिए, बोझो बोझो बुजुर्गों अभी होते ना ना, तो पी, जल्दी से दे दो यार। दे रहा हूँ मैं अच्छी बदबू किसी गंदी है दवाई की, उसकी है चिकन की चिकन आ की। रही है शायद। हाँ चिकन की वो है। अब कर दिया बोझो टाइम नाटक नाटक करती है, नहीं पीनी हो लटा के लटा के, इससे तो मिला ही नहीं पाएंगे ड्रॉप से। तो मजबूरी है। ओए 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 सो गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है एकदम से। सो गाइस, मैंने मूंगफली जो है वो फ्राई कर दिया टमाटर की चटनी में, टमाटर प्याज और हरी मिर्ची और करी पत्ता तेल में डाल के फ्राई हो रहा है वो सिम पे। और ये है आटा इडली का, और यह है इडली का आटा। मैं इडली जो है वो चढ़ा रही हूँ, और हमारा डिनर है वो तैयार हो जाएगा। नमक, तो इडली का आटा पहले मैं नॉर्मल राइस से पीसती थी, अब मैं बॉइल्ड राइस आते हैं ना जो, उनसे उससे बनाती हूँ। तो जो इडली है ना उसका टेस्ट बदल जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं अच्छे से जो बैटर है उसे मिक्स कर लेती हूँ। ठंडी हो जाए मतलब पीसने के लिए, क्योंकि गर्म नहीं डालनी है मिक्सर में क्योंकि ख़राब हो सकता है। तो एक बार ठंडी हो जाए उसके बाद फिर मैं जो चटनियाँ हैं वो ही पीस देती हूँ, और जो खाना है वो हो जाएगा तैयार। तो सांभर मैं अक्सर नहीं बनाती क्योंकि सांभर के साथ नहीं खाते हैं ये, सांभर बड़ा खा लेते हैं बट सांभर और इडली नहीं खाते हैं। फिर मेरे को सांभर इडली पसंद है, फिर मेरे को लगता है एक के लिए क्या बनाना। तो मैं मूंगफली की चटनी के साथ टमाटर की चटनी बनाती हूँ, क्योंकि अगर सांभर नहीं है तो मुझे कुछ खट्टा टाइप का अच्छा लगता है इडली के साथ, तो टमाटर की चटनी बेस्ट होती है, ईजी होती है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है। तो अब मैं जाके एक बार देख लेती हूँ कि बोनी ने खाना खाया है, नहीं खा, और उसका खाना भी रखा है मैंने, वो भी खा ले, तो हम लोग का खाना हो जाएगा। तो हम लोग रात का जो अपना काम रहता है ना उससे निपट जाएंगे। आज का जो दिन था ना इतना बिजी था, क्योंकि थोड़ा एडजस्टमेंट मुझे भी करना पड़ रहा है उसके साथ, वो थोड़ा सा नॉटी है बट मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इसकी। अभी तक जितने भी हम लेके आए थे हम वापस कर देते थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहता था कि हम उसे को तकलीफ है या कुछ है तो वापस कर दे, बट ये हम अपनी मर्जी से लाए हैं क्योंकि इसे तकलीफ है इसलिए लाए हैं कि इसे हम सही कर पाएं, तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा बहुत रहता है, मुझे पता टेंशन होती है उसकी, पर मैं खुश भी बहुत हूँ, पर थोड़ी टेंशन होती है कि बस सर्वाइव वो कर ले अच्छे से, एक महीना आराम से निकल जाएगा तो सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। बस एक महीना हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा निकल जाए। आगे चल के क्या होगा, जो बोजो है उसके हॉस्टल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हमें बोजो को बीच वाले रूम में छोड़ना है तो बोजो के साथ एक साथी हो जाएगा। हाँ 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 खाना ठंडा हो गया था दोस्तों, उसके साथ रहना, वो पलट जाता है खाते खाते, पता वो खाना बताया था मैंने आपको। हाँ तो उसके साथ रहना, तो आगे चल के बोजो को भी छोड़ना, तो ये दोनों एक साथ रह लेंगे तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। हम लोग घूमने के लिए उन्हें मतलब साथ ही रहेगा तो वो आपसे ही पहचानेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें बीच वाले रूम में भी छोड़ना है, लड़का लगा देंगे दोनों को रख लेंगे, तो ये इसलिए ये भी एक अच्छा कारण है कि साथ में रहते तो एक इन लोगों को भी लगता है कि साथ ही है कोई साथ में। तो चलिए इन सबको होने देते हैं। नीचे जाके गायब हो गया, वो सोफे के नीचे घुस गया है, निकालो, निकल नहीं पा रहा होगा वो। नहीं आओ, मस्ट बी ईटिंग समथिंग, अगर कुछ खा पी ना ले वहां से, वो वही कर रहा है। चीजो लगा से, मेरा हाथ भी चाहिए इसे। मुझे बरजवा काय 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 काय। छछुंदर है ना? छछुंदर है ना? छछुंदर है, छछुंदर, छोटा सा छछुंदर। अरे हां जाओ चलो बाय। अब वो उस
उसने आज बहुत सारे एंटिक काम करे हैं. उसने एक मेरा इन्वर्टर का वायर भी खींचा है. क्लैप्स फॉर दिस छुटका इंसान ऑफ घर घर. तुम इतने शैतान हो और इतने छोटे से शैतान. ये है एक छोटा शैतान जो घर में आ चुका है, जिसने घर में हल्ला मचा के रखा है, बोजो को भी परेशान करके रखा है. बोजो को सोने नहीं देता ये आराम से. बोजो को घूमने नहीं देता है. बोजो को ये अपनी मम्मी समझता है. और समझ सकते हैं मम्मी समझने के बाद क्या करता होगा. वो दूध पीने की कोशिश करता है और उसके कारण बोजो इरिटेट होता है. और थोड़ी सी मैं भी होती हूँ क्योंकि फालतू में उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट ले. दांत इसके क्योंकि पहने पहने हैं, है ना. जाओ तुम. सो गाइस, यहाँ पे कर रही हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड. आज है शनिवार, सॉरी अब हो गया है शनिवार. वीकेंड एंजॉय करिए. हमारा तो कुछ पता नहीं है फिलहाल. तुम यही करो, घुस जाओ. तो हमारा कुछ पता नहीं है. मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड. देखते हैं कि आगे क्या करते हैं हम लोग. बस इसकी हेल्थ के लिए प्रेयर करते रहिएगा कि ये मोटू सा हो जाए, क्यूट सा हो जाए और इसको थोड़ा खाना लगे और इसके अभी पग ब्लॉक्स आ रहे हैं. जैसे हमारा मोटू जो पग है वो मैक्सिमम सोता रहता है और फिलहाल वो दोबारा जाके सो गया है. बड़ा हो जाएगा ना तो ये दोनों खेला करेंगे. हाँ बराबर हाइट के नहीं है ना ये. ओ मेरा पैर काट लिया. कटोरा पग. अभी बचपन में काटते हैं, इनके दांत आते हैं, कुछ होता है. मोजो में बहुत काटा है मुझे. तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल. सब्सक्राइब कर लीजिए. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल. सब्सक्राइब इस छोटे से पग के लिए सब्सक्राइब. इसकी ग्रोथ देखेंगे हम, है ना.